मेडिकल फील्ड में भोपाल एम्स को एक और नई उपलब्धि हासिल हुई। दरअसल एक 8 साल का बच्चा पसलियों के कैंसर से जूझ रहा था। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने दुनिया की पहली ऐसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की है जिसमें कैंसर ट्यूमर हटाने के बाद बच्चे की चेस्ट वॉल शरीर के टिश्यू से ही तैयार की गई है। ये दुनिया का पहला मामला है जब इतने छोटे बच्चे के लिए रिकंस्ट्रक्टिव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिछले 1 साल में 2 बच्चों पर इस सर्जरी का सफल प्रयोग भी हो चुका है और दोनों ही बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि 8 साल का बच्चा बचपन से ही पसलियों के कैंसर से जूझ रहा था। उम्र के साथ कैंसर ट्यूमर पसलियों के साथ गले और अन्य जगहों पर भी फैल गया। बच्चे की जांच के बाद अलग अलग चरणों में उपचार का प्लान तैयार किया गया। सबसे पहले कीमोथेरेपी से ट्यूमर को हटाया गया। इसके बावजूद पसलियों में करीब 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर रह गया था। इसे सर्जरी के माध्यम से हटाया गया। हालांकि इससे चेस्ट वॉल के बड़े हिस्से पर घाव रह गया था। इसे भरने के लिए प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञों ने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने का निर्णय लिया। नया टिश्यू जो कि हमारी थाई में पाया जाता है, जिसे हम टेंसर फेशियल लेटा बोलते हैं, उसका यूज़ करके हमने उस चेस्ट वॉल को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। बाद में करीब 12 घंटे के अंदर ही वो बच्चे को, जो नॉर्मली हम लोग इंट्यूबेट करके रखते हैं, उसको एक्सट्यूबेट कर दिया, यानी खुद से वो बच्चा 12 घंटे में सांस लेने लगा। ऐसे 2 केस अब तक हो चुके हैं। तो डिफेक्ट 10x8 सेंटीमीटर के करीब था हमारा। हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की डिपार्टमेंट में, और फिर एक आइडिया आया कि टेंसर फेशियल लेटा एक बहुत अच्छा टिश्यू है जो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है लेकिन चेस्ट वॉल में अब तक यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मेश भी यूज़ होता है तो हमने प्लान किया कि टेंसर फेशियल लेटा यूज़ करते हैं। टेंसर फेशियल लेटा हमने यूज़ किया, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे।